पुलिस उठा के ले गई थी, पुलिस ने थाने में मारा है, कोई संज्ञान नहीं लेने वाला है, इनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। सुन रहे थे डीजीपी साहब बड़े नामी डीजीपी हैं, ऑफिसर हैं, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्या होगा, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन माई समीकरण है, वोट भी लोगे और जान भी लोगे, तो गाना है ना, तुम तो दिल भी लोगे और जान भी ले लोगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। देवरिया मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कद्दावर नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने मुलाकात की है परिवार वालों से, और कई सारी बातों को भी कहा है। वहां पर भी आपने परिवार वालों से मुलाकात की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, मोहम्मद गोलू की हत्या कर दी पुलिस ने, दो जो बच्चे हैं वो अस्पताल में जिंदगी मौत से संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस उठा के ले गई थी, पुलिस ने थाने में मारा है, कोई संज्ञान नहीं लेने वाला है, इनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। आज बीजेपी का डेलीगेशन आया था, उसमें मैं, राजीव गप्पू जी और अतुल जी, सब लोग हम लोग साथ में आए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तुरंत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, हम लोगों को ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है। और भी लगातार घटनाएं हो रही है मुजफ्फरपुर में, लगातार आपराधिक घटनाएं भी हो रही है, डीजीपी रोड में तो कुछ हो ही नहीं रहा। सुन रहे थे डीजीपी साहब बड़े नामी डीजीपी हैं, ऑफिसर हैं, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्या ये पुलिस वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या पता नहीं है, मांग कर रहे हैं? अरे तो पुलिस ही उठा के लेके आई ना, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से मतलब आप फैक्ट्री लगा रहे थे, अब उसके बाद में करेंगे किसी दिन। अच्छा, क्या मांग करेंगे इस मामले में? तुरंत कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए और न्याय देना चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा, एक बार उनके परिवार से ज़रूर मिलकर आइए। वो दुख दर्द मोहब्बतपुर में कैसे नफरत की बैयार पुलिस ने बहाई है उसको देखिए। पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगे, जी जी, सब पर कार्रवाई करनी चाहिए, जाँच करके। दिल को छूने वाली क्या होगा, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन माई समीकरण है, मुस्लिम का वो वोट भी लोगे और जान भी लोगे, वो गाना है ना, तुम तो दिल भी लोगे और जान भी ले लोगे, यानी वोट भी ले लोगे और जान भी ले लोगे और फिर लीपापोती करोगे, ये क्या बात है? सिर्फ वोट के वक्त ये अल्पसंख्यक समाज के लोग को याद आता है, और आज एक मर गया, इस पर सरकार क्यों चुप है? दो लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के कान पे जू नहीं रंग रही, क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? उन पर FIR क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? कि हम लोग बता नहीं कर सकते, आप यानी दर्द को बयान करने की हिम्मत नहीं हो रही, इस बुरी तरीके मारा, बोड़ा ओढ़ा के मारा। तो आपने सुना कि शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए और कई सारी बातों को भी वो कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के DGP जब RS भट्टी बने थे तो काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, आपराधिक मामले बढ़ गए हैं महागठबंधन की सरकार में, उन्होंने ये भी कह दिया कि महागठबंधन को MY का वोट चाहिए, लेकिन MY की जान भी लेते हैं और वोट भी चाहिए। तो कई सारी बातों को उन्होंने कहा है, तो देखना होगा कि आए क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव फिटनेस के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।